नमस्कार, मैं हूं स्वाति रायना। मध्य प्रदेश के बाद महाराष्ट्र में लोन माफी के लिए राज्य सरकार तैयार हो गई है, लेकिन सवाल अब यह है कि क्या किसानों की असली समस्या सिर्फ कर्ज माफी है। लेकिन उससे भी बड़ा सवाल ये कि वित्त मंत्री अरुण जेटली ने साफ साफ कह दिया है कि जिस राज्य सरकार को कर्ज माफी करनी है वो करें, लेकिन इसके लिए केंद्र से उम्मीद ना करें। ऐसे में क्या राज्य सरकारें ऐसा जुआ खेल रही है जिससे उनकी वित्तीय सेहत खराब होने का खतरा बढ़ गया है? इससे सिर्फ किसानों की कर्ज माफी ही एक आसान तरीका बच गया है। मेरे साथ एक्सपर्ट भी होंगे, लेकिन सबसे पहले देखिए ये रिपोर्ट। मध्य प्रदेश में किसान आंदोलन की आग शांत भी नहीं हुई थी कि महाराष्ट्र में ये आग फैलनी शुरू हो गई। मध्य प्रदेश के बदलते हुए हालात और राज्य में किसानों के आंदोलन को देखते हुए अब महाराष्ट्र सरकार किसानों की कर्ज माफी के लिए तैयार हो गई है। महाराष्ट्र में किसानों का कर्ज माफ करने के लिए समिति बनाई जाएगी। वहीं किसानों को बड़ी राहत देते हुए ये भी कहा गया है कि किसानों के खिलाफ मुकदमे वापस लिए जाएंगे। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने किसानों की कर्ज माफी सहित दूसरी मांगों पर विचार करने के लिए मंत्रियों की एक उच्च स्तरीय समिति गठित कर दी है। इस समिति के अध्यक्ष राजस्व मंत्री चंद्रकांत पाटिल बनाए गए। उन्होंने कहा कि 31 अक्टूबर से पहले लिए गए किसानों के सभी कर्ज माफ कर दिए जाएंगे। शिवसेना ने बीजेपी को साफ धमकी भी दे दी थी कि अगर वो राज्य में मध्यावधि चुनाव से बचना चाहती है तो किसानों का कर्ज पूरी तरह माफ करना ही होगा। ऐसी खबरें भी आई थी कि भाजपा समय से पहले विधानसभा चुनाव कराने पर भी विचार कर रही है। किसानों की अल्प भूधारक और मध्य भूधारक की कर्ज माफी इसके पहले माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने घोषित की। किसानों की यह मांग थी कि सारे किसानों को यह मिले। आज सरकार ने सारे किसानों की कर्ज माफी कुछ निकषों के आधार पर तत्वता मान्य की। निकष तय करने के लिए एक समिति का निर्माण होगा जिसमें किसान संगठन के नेता भी रहेंगे और सरकार के नेता भी रहेंगे, और उस समिति के निकषों के सहमति के बाद वो कर्ज माफी मान्य होगी। उस कंडीशंस को तय करने के लिए समिति बनी है। लेकिन महाराष्ट्र सरकार के इस कदम पर वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा कि जो भी राज्य सरकारें किसानों का कर्ज माफ करने का फैसला कर रही हैं, उन्हें यह काम अपने खजाने से बैंकों का भुगतान करके करना होगा। आई हैव ऑलरेडी मेड द पोजीशन कंसर्न दैट स्टेट्स व्हिच वांट टू गो इन फॉर दीस काइंड ऑफ स्कीम्स विल हैव टू जनरेट देम फ्रॉम देयर ओन रिसोर्सेज। बियॉन्ड दैट एज द सेंट्रल गवर्नमेंट आई हैव नथिंग मोर टू से। महाराष्ट्र सरकार अगर छोटे और सीमांत किसानों का कर्जा माफ करती है तो इससे करीब 30,000 करोड़ का भार पड़ेगा, लेकिन अगर सभी किसानों का कर्जा माफ करना पड़े तो इससे करीब 1,14,000 करोड़ का भार पड़ेगा। अब सवाल ये कि क्या एमएसपी जैसी समस्याओं की बजाय सिर्फ कर्ज माफी से अच्छे दिन आएंगे? जब तक किसानों को उनकी उपज का सही मूल्य नहीं मिलेगा तब तक क्या किसान कर्ज माफी से अपना काम चला पाएंगे? आज बिग स्टोरी बिग डिबेट का पहला सवाल, क्या सिर्फ कर्ज माफी है किसानों की समस्या? कम दाम पर क्यों बेचने पर मजबूर है किसान? किसान आयोग का गठन क्यों नहीं? किसानों को मिनिमम सैलरी गारंटी क्यों नहीं? तो बिग स्टोरी बिग डिबेट में कई ऐसे सवाल हैं जिनके जवाब आज हमें लेने हैं। हमारे साथ तमाम गेस्ट मौजूद हैं और ये जो पैनलिस्ट का बोर्ड है इनसे हम जानने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार किसानों की असली समस्या क्या है। क्या कर्ज माफी ही इकलौता एक ऐसा हल है जिससे कि किसानों की समस्या हल होगी? इस वक्त हमारे साथ कई खास मेहमान हैं। इस वक्त हमारे साथ एम के वेरू, फाउंडिंग एडिटर द वायर हैं, देवेंद्र शर्मा एग्री एक्सपर्ट हमारे साथ बिग स्टोरी बिग डिबेट में शामिल हैं, नरेंद्र तनेजा जी लीडर बीजेपी हमारे साथ हैं, प्रदीप जैन आदित्य लीडर कांग्रेस हमारे साथ है, साथ ही एस सी सिन्हा फॉर्मर ईडी ओबीसी हमारे साथ है। आप सभी का बहुत स्वागत है बिग स्टोरी बिग डिबेट में। किसानों पर तो कई हमने डिबेट्स किए हैं, कई हमने शोज किए हैं, उनकी समस्या जानने की कोशिश की है, लेकिन निष्कर्ष क्या निकलता है आज हम कोशिश करेंगे निष्कर्ष निकालने के आखिरकार जो ये स्टेप लिए गए हैं, जो फैसले लिए जा रहे हैं किसानों के लिए वाकई क्या उनके हक में है या इसके पीछे कोई और ही कहानी है। सबसे पहले देवेंद्र शर्मा जी, एज एन एग्री एक्सपर्ट आपसे बिल्कुल सिंपल शब्दों में हम जानना चाहेंगे, क्या सिर्फ कर्ज माफी ही किसानों की समस्या है? मुझे नहीं लगता किसी ने भी कहा है कि सिर्फ कर्ज माफी जो है वो किसानों की समस्या है, और अगर कर्ज माफी हो जाती है तो किसान जो है अपने चिंता को उतार कर जाके आराम से सो जाएंगे, ऐसा किसी ने नहीं कहा।
प्रॉब्लम यह है कि आज किसान के ऊपर इतने कर्जे पे कर्जा कर्जे पे कर्जा कर्जे पे कर्जा चढ़ता आया कई वर्षों से, और वो आज जब तक हम उस कर्जे को नहीं उतारेंगे तो किसान को मेन स्ट्रीम जो इकोनॉमिक ग्रोथ की डेवलपमेंट की हम बात करते हैं उसमें दोबारा लाना बहुत मुश्किल होगा। मैं इसलिए कहना चाहता हूँ हमें समझने की जरूरत है कि पंजाब के एक किसान ने अभी हाल में आत्महत्या की, नई बात नहीं है, पंजाब में बहुत सारी आत्महत्याएं होती हैं। किया जंप नहर में जंप करने से पहले अपने 5 साल के बच्चे को अपने वेस्ट में अपनी कमर में बांधा और फिर उसने जंप किया और मैं एक मैसेज छोड़ गया, कहा कि मेरा 10 लाख का कर्जा है और मैं जानता हूं कि मेरा बेटा है वो 5 साल का है लेकिन वो अपनी जिंदगी में इसको नहीं उतार पाएगा इसलिए मैं उसको भी साथ लेके जा रहा हूं। ये दयनीय सिचुएशन आपके सामने है, इसका मतलब साफ है कि अगर हम किसानों को चाहते हैं कि वो दोबारा वापस उसमें आएं जो देश के उसमें जिस जो ग्रोथ हमारी हो रही है या जो वाकई असली समस्या क्या है। देविंदर शर्मा जी आपके पास फिर से आएंगे, लाइन में कुछ परेशानी हो रही, लेकिन आपने जिस सवाल से जिस प्रश्न से शुरुआत की है उसी सवाल का जवाब हम आगे अपने तमाम पैनल से भी लेते हैं। एमके वेणु जी आपसे ये जानना चाहेंगे, आत्महत्याओं की यहां पर बात हो रही है किसानों की, कुछ अगर आंकड़े पेश करें किसान और खेतीहर कहां कहां पर देश में किसानों की कितनी आत्महत्या अब तक उन्होंने की है। 8,007 किसानों ने खेतीहर मजदूर, 4,595 किसानों ने आत्महत्या, कुल आत्महत्या का जो आंकड़ा है वो 12,602 का है और ये जो सोर्स हम बता रहे हैं आपको 2015 का एनसीआरबी का ये पूरा सोर्स के थ्रू ये जानकारी है। आत्महत्या किसान कर रहे हैं, आज की बात नहीं कई सालों पहले की बात कर रहे हैं हम। अगर जो सरकारें हैं राज्य सरकारें हैं वो कर्ज माफी करती है, आपको लगता है किसान आत्महत्या करना बंद कर देंगे, यही उनकी समस्या का हल है? देखिए आत्महत्या तो ये मैं आपकी बात मानता हूं कि कई सालों से किसान आत्महत्या कर रहे हैं, मगर आप अगर सुसाइड के रेट देखें तो ये पिछले 2 साल में एकदम बढ़ा है। पिछले 1 साल में तो मैंने एक आंकड़ा कहीं पढ़ा है कि शायद 40% बढ़ोतरी हुई है। सो हमेशा आप ये देखिएगा जब जब एग्रेरियन क्राइसिस होता है, जैसे ड्राउट हुआ दो बैक टू बैक पिछले 2 साल में, उस दौरान आत्महत्या की जो आंकड़े आपको दिखेंगे थोड़ा बढ़ते हुए, एक नॉर्मल जब सिचुएशन जो चलता है तो उनके आंकड़ों में एक नॉर्मल ट्रेंड रहता है। मैं ये नहीं कहता कि बिल्कुल आत्महत्या कभी बिल्कुल खत्म हुआ है कृषि क्षेत्र में, क्योंकि एक किसानों की जो क्राइसिस जो इंडिया में है उसके जो मूल कारण है उसको अभी तक एड्रेस नहीं किया। मेरे हिसाब से ये चीजें अभी और बढ़ के आपको बहुत बढ़ के, और मीडिया भी उसको बहुत जोरों से आजकल डिबेट इसलिए करता है क्योंकि कम्युनिकेशन के साधन भी बढ़ गए हैं। शायद 15 साल पहले भी होते थे मगर इतना डिबेट नहीं होता था। इसका कारण मेरे हिसाब से एक ही है, हिंदुस्तान के किसानों को कम से कम 90% किसान बिल्कुल जो मार्केट इकोनॉमिक्स पे वो निर्भर है, और जब ज्यादा उत्पादन करते हैं तब भी वो मार्केट एकदम प्राइसेस गिरती है तो मार्केट इकोनॉमिक्स में पूरा डिपेंडेंस है। मगर आप सारी दुनिया में देखें, विकसित देशों में भी चाहे यूएस यूनाइटेड स्टेट्स की इकोनॉमी या यूरोपीय इकोनॉमी, वैसे मार्केट इकोनॉमी होगा, कैपिटलिज्म होगा वहां पे मैन्युफैक्चरिंग और इंडस्ट्री के कॉन्टेक्स्ट में, मगर वहां हमेशा किसानों को वहां प्रोटेक्शन मिलता है। आपको ये सोचना पड़ेगा जिस तरह इंडिया डेवलप होता जाएगा उसी रफ्तार से हमें किसानों को और एग्रीकल्चर को प्रोटेक्शन भी हमें बढ़ाना पड़ेगा, और यही पिछले 50-60 साल की जो विकसित देशों की आप हिस्ट्री देखेंगे वहां भी किसानों को प्रोटेक्शन बढ़ा के दिया, क्योंकि किसान एक बहुत ही अहम रोल अदा करते हैं, पूरे सोसाइटी को फीड करते हैं, बिल्कुल सिक्योरिटी देते हैं। तो क्या इसी रोल को समझने में हमारी तमाम सरकार, बिल्कुल एमके वेणु जी राइट आपने बिल्कुल सही पॉइंट यहां पर रेज किया है, क्या इसी रोल को समझने में हमारी जो तमाम सरकारें हैं वो कितनी सफल हो पाई हैं, क्योंकि जितने भी मेजर्स ले लिया जाए किसान की समस्याएं दूर नहीं हो रही है। नरेंद्र तनेजा जी अभी तो आप अपनी पीठ थपथपा रहे होंगे, पहले उत्तर प्रदेश में और अब महाराष्ट्र में किसानों का कर्ज माफी का ऐलान, हो सकता है आने वाले समय में कई और राज्य ऐसे मांग करें कि हमारे यहां पर किसानों की कर्ज माफी कर दी जाए, लेकिन एक बार बताइए उससे पहले कुछ आंकड़े हम आपको दिखा दें, एमएसपी का फायदा कैसे किसानों को नहीं मिल पा रहा है। अब कुछ फसलों की बात कर लेते हैं और ये कुछ आंकड़े हम आपको अपने टीवी सेट्स पर भी दिखाएंगे। सोयाबीन की बात करें तो जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस है एमएसपी है वो 2,775 का है, मंडी में भाव कितना है लगभग 2,550 का।
सोया यहां पर सरसों की बात की जाए 3700 रुपए का एमएसपी है और से कम भाव में 3250 है मंडी में ये इसका भाव है। मूंगफली 4220 रुपए प्रति क्विंटल वहीं 3500 का मंडी में भाव है और ऐसे तमाम तुअर की बात करें 5050 का एमएसपी है 3900 रुपए प्रति क्विंटल इसका भाव है। अब आप ये बात बताइए ये तो सरकार की गारंटी होती है कि एमएसपी मिलेगा तो कोई मैकेनिज्म ऐसा क्यों नहीं बनाया जा रहा है किसानों के लिए कि एमएसपी से दाम नीचे ही ना आए किसानों की समस्या दूर हो जाए। देखिए जो आप जो आंकड़े दे रही हैं मुझे लगता है ये मध्य प्रदेश के आप आंकड़े दे रही हैं है ना। और ये बात देखिए पहली बात तो ये सच है कि जिस हिसाब से किसान को खास तौर से पूरी जो ग्रामीण अर्थव्यवस्था है पिछले लंबे समय से जब से देश आज़ाद हुआ काफ़ी समय तक उसको नेग्लेक्ट करा गया। एक हरित क्रांति जरूर हुई लेकिन बाकी आपने देखा है कि किसान को केंद्र बिंदु में पूरे देश की सोच में या प्लानिंग में नहीं लेके आया गया। अच्छा उसका ये नतीजा है कि तमाम पूरी किसान क्यों आज परेशान है इसलिए परेशान है कि जो पूरी हमारी ग्रामीण अर्थव्यवस्था है हमने उसको नेग्लेक्ट करा जब से आजादी हुई इसको नेग्लेक्ट करा। कुछ लोगों ने उसको जो है इंक्रीमेंटल तरीके से देखा अभी काफी प्रयास किए जा रहे हैं आपकी तरफ से जो प्रयास किए जा रहे हैं किसानों की तरफ से पिछले 60 सालों में क्या हुआ है वो जानने के लिए हमारे साथ एक और पैनलिस्ट बचे हैं। अभी की बात करें तो अभी का बताइए किसानों की कर्ज माफी जो आपने कदम उठाया है क्या यही कारगर कदम है किसानों की समस्या को दूर करने का। देखिए आपकी देखिए मैं समझ रहा हूँ आपको अपना प्रोग्राम चलाना है लेकिन हर चीज का संदर्भ भी होता है बिना संदर्भ के कोई बात नहीं करी जा सकती है। अब जो करा जा रहा है आज की स्थिति ये चूंकि हमने एग्रीकल्चर जो पूरी अर्थव्यवस्था है उसको नेग्लेक्ट किया आजादी से लेकर के आज तक आज स्थिति यह है कि किसान को ऑक्सीजन की जरूरत है। उत्तर प्रदेश में ऑक्सीजन प्रदान करी गई है महाराष्ट्र सरकार ने भी ऑक्सीजन प्रदान करी है राज्यों के ऊपर राज्यों का विषय होता है राज्य देखेंगे कि कहां कहां पे ये सबसे जरूरी है। अगर वो आत्महत्या कर रहे हैं उनकी व्यक्तिगत अर्थव्यवस्था चरमरा चुकी है उनकी खेत की अर्थव्यवस्था खत्म हो चुकी है तो सरकार को आगे आना पड़ेगा और आगे आकर के वो ऑक्सीजन वो राहत इस समय देनी पड़ेगी। अब शॉर्ट मीडियम टर्म में लॉन्ग टर्म में जो कर रहे हैं तमाम हमारी नीतियां आप मुझे समय दें मैं सारी आपको गिनाता हूं जो हम कर रहे हैं जिससे कि जो आज हम जिस तरह के सीन आज देख रहे हैं हमको आने वाले समय में यह ना देखने पड़े उसके लिए हमको आधारभूत परिवर्तन करने पड़ेंगे ग्रामीण अर्थव्यवस्था का हमें रिफॉर्म करने पड़ेंगे रूरल इकोनॉमी को मॉडर्नाइज करना पड़ेगा गांव में उद्योग धंधे लेके जाना पड़ेगा एसएमईज को गांव में लेके जाना पड़ेगा टेक्नोलॉजी को गांव में लेके जाना पड़ेगा आईटी को गांव में लेके जाना पड़ेगा। हम गांव को म्यूजियम नहीं बना सकते गांव के अंदर उद्योग धंधे भी हमको ले जाने पड़ेंगे। क्यों अब सबसे बड़ी आज समस्या क्या है समस्या यह है कि किसान गांव के अंदर किसान मात्र खेती पर डिपेंडेंट है इसलिए ये हालात पैदा जी नरेंद्र जी आपने हालात बनाने पड़ेंगे कि परिवार से एक व्यक्ति किसानी करे लेकिन बाकी लोग उद्योग धंधों में आए और चीजों के अंदर आए। नहीं एक सेकंड सुनिए ये मैं बहुत अहम बात कह रहा हूँ आपकी डिबेट इंपॉर्टेंट है मेरे पॉइंट बहुत अहम है यही असली बात है पूरे एक घंटा बहस करें और एक दूसरे पर आरोप लगाएं तो कुछ नहीं निकलेगा यही अहम बात है यही मुद्दा है। जब तक हम रिफॉर्म मॉडर्नाइजेशन रूरल इकोनॉमी का नहीं करेंगे रियलिस्टिक कदम बता दीजिए कुछ नहीं निकलने वाला तो इसको इस पर गौर करिए जरा जो मैं कह रहा हूँ जी ठीक है आपने फ्यूचरिस्टिक कदम काफी गिना लिए। चलिए हम दूसरे पैनलिस्ट के पास भी जाते हैं उसके बाद फिर आपके पास आएंगे। प्रदीप जैन आदित्य जी कर्ज माफी तो पहले भी की जा चुकी है अभी की ताजा की बात नहीं है आपकी जब सरकार थी तब भी कर्ज माफी कई बार की गई है किसानों की क्या फायदा हुआ उसका अगर तब फायदा होता तो अब तक ये कम से कम ये समय देखने को तो नहीं मिलता। साथी जी देखिए ये देश अन्नदाताओं का देश है और वर्तमान में जो स्थिति है हमारे भाई देवेंद्र शर्मा जी ने भी कहा और वो एग्रीकल्चर में बहुत जानकारी रखते हैं आज सबसे बड़ा दुर्भाग्य है कि समर्थन मूल्य भी बढ़ना चाहिए किसानों का कर्जा माफ हो और समर्थन मूल्य बढ़े। आप देखें मैं निश्चित रूप से इस बात से सहमत हूँ कि लगातार 3 सालों में कृषि क्षेत्र की उपेक्षा की गई इंश्योरेंस कंपनी को 27,000 करोड़ रुपये दिए गए और किसानों को केवल 700 करोड़ रुपए मिले। आप स्मार्ट सिटी की बात होती है बुलेट ट्रेन की बात होती है लेकिन गांव के अंदर प्रधानमंत्री सिंचाई योजना धरातल पर नहीं उतरती है। आप देखिए जो स्थिति है वर्तमान में अगर हम यूपीए 1 और 2 में देखें तो गन्ने में 146.50 रुपए की बढ़ोतरी हुई मक्के में 785 रुपए की बढ़ोतरी हुई सोयाबीन में 1560 रुपए की बढ़ोतरी। तो किसानों की स्थिति सुधारने के लिए क्या हुआ अगर तब ऐसे कदम उठाए गए थे तो अब तक किसानों की हालत क्यों नहीं सुधरी? 50% जी
स्वाति जी, उनका कर्जा माफ होना चाहिए और केंद्र सरकार को कर्जा तो आपके समय भी माफ हुआ था समर्थन प्रदीप जैन आदित्य जी, कर्जा तो आपके समय भी माफ हुआ था, तब तब क्या कमाल हो गया किसानों के लिए? उस समय ऐसी स्थिति नहीं थी स्वाति जी, उस समय किसानों के सीने पे गोली नहीं गलती थी, किसान सड़क सब पर कोई सामान नहीं देखता था। जैन साहब, सब ये आपका किया हुआ है, ये आप लोगों की लोगों का करा धरा है सारा कुछ। जब आप बोल रहे थे किसान आप सीनियर आदमी है, देखिए बात पूरी कीजिए प्रदीप जी, प्रदीप जी बात पूरी कीजिए, नहीं बोल रहा था। अरे तो आप बुलेट ट्रेन पर पहुंच जाएं तो क्या करें, आप बुलेट ट्रेन पर पहुंच गए, मुद्दे पर रहिए। प्रधानमंत्री जी आज पूरे आप पूरे विदेश में जा रहे हैं लेकिन कभी किसानों के संगठन से बात नहीं कर रहे। जब देश का मुखिया किसान, आज देवेंद्र शर्मा जी को क्यों नहीं बुलाते, जो पैनलिस्ट आप टीवी पे लेके आती हैं, कभी प्रधानमंत्री जी उनसे मुलाकात करते हैं? अब वाशिंगटन जा रहे हैं, आज देश में किसान मर रहा है, ये मैगजीन है हिंदुस्तान की सबसे महत्वपूर्ण मैगजीन, इसमें मरता हुआ किसान पूरा आर्टिकल है, देश में इंडिया टुडे में दिया। अब ये कोई कांग्रेस की मैगजीन नहीं है। आज जिस तरह के हालात हैं देश के मुखिया को, आज वित्त मंत्री को ये बात स्ट्रेट फॉरवर्ड कहने की क्या आवश्यकता थी कि राज्य अपने बलबूते पर किसानों का कर्जा माफ करे? आपको करना चाहिए, आज ये देश अन्नदाताओं का है, मुझे जवाब का मौका दीजिए। किसान ठीक है, ठीक है प्रदीप जैन जी, आपकी बात पूरी हो गई कि कर्ज माफी किसानों का हल है, और जो आपकी सरकार में जब अगर कर्ज माफी हुई थी तब कोई हल नहीं सामने आया था। टाइम दीजिए मुझे, ये सब जी 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 नरेंद्र जी बात पूरी कीजिए, आप मुझे मौका दीजिए इसका जवाब देने का। जी बात पूरी कीजिए। देखिए पहली बात, इन्होंने ये कहा कि अन्नदाता का देश है, जब आपने 12 लाख करोड़ के गबन किए, स्कैंडल किया, आपको तब ध्यान नहीं था। दूसरी बात, आपने कहा सिंचाई को लेकर कोई काम नहीं हुआ, मध्य प्रदेश के अंदर सिंचाई व्यवस्था का कितना विस्तार हुआ है, या तो आप अखबार नहीं पढ़ते या विश्वास नहीं करना चाहते, या आप सिर्फ टीवी पे आकर झूठा प्रोपेगेंडा करना चाहते हैं। प्रधानमंत्री विदेश जाते हैं, आपके मंत्री प्रधानमंत्री काम से विदेश जाते हैं, घूमने के लिए नहीं जाते वहां पे, वहां पे आपके उपाध्यक्ष की तरह दो दो महीने की छुट्टी मनाने नहीं जाते, टेलीविजन पे आया। और दूसरी बात, आपने कहा एक्सपर्ट से कंसल्ट, आपको क्या पता, आप ध्यान रखिए कितने एक्सपर्ट से कंसल्ट किया जाता है, ऐसी नीतियां बन रही हैं। और दूसरी बात, जो जो राज्य सरकारों का विषय है, आप तो संविधान में विश्वास रखते नहीं है, आप तो एमरजेंसी वाली पार्टी है, जो संविधान में जिसका विषय है वही राज्य उसको देखेगा। ये राज्य का विषय है, ये राज्य का विषय है, राज्य अपना अपना कदम उठा रहे हैं। और मध्य प्रदेश, आपने कहा सिंचाई का कोई काम नहीं किया, मध्य प्रदेश का ही मैं आपको डेटा देता हूं कि सिंचाई का 40% विस्तार हुआ है। आप नहीं जानना चाहते वो बात अलग है, आप लोगों के आप लोग टीवी पे आके सिर्फ झूठ का प्रचार कर रहे हैं। ठीक है, ठीक है, कभी अधूरी पड़ी है आपका। जी जी जी, क्या झूठ का प्रचार कर, अरे आपका अधूरी स्वयं का संग है, आप उसका कहना है सिर्फ, आप झूठा प्रदीप जैन जी, प्रदीप जैन जी और नरेंद्र तनेजा जी, ये हम सबको बात समझनी होगी कि राजनीतिक मुद्दा नहीं है, ये राजनीतिक मुद्दा नहीं है, ये किसानों की हक की बात है, और इसलिए इस पैनल डिस्कशन में आज बैठे हैं। कर्जा माफ करेंगे नहीं, नहीं ऐसे डिस्कशन आगे नहीं बढ़ेगा, क्योंकि हर बार जब किसानों के हक की बात होती है उसमें राजनीति बीच में नहीं आनी चाहिए, तभी तो ये पूरा डिबेट मर जाता है। ऐसी सिन्हा जी, अब राज्य सरकारों ने तो कह दिया कि हाँ कर्ज माफी कर दो, उत्तर प्रदेश ने, उसके बाद अब महाराष्ट्र, अब बैंक तो कर्ज माफ कर देंगे। अब बैंकों को जब तक राज्य सरकारें पैसा देगी उसके बाद कुछ आगे बात बढ़ेगी, कुछ लोग डिफॉल्ट भी करेंगे। एनपीए की समस्या से पहले ही बैंक परेशान है, और पहले ही एसबीआई के चेयरपर्सन भी कह चुकी है कि ये एक गलत ट्रेंड आगे पेश किया जा रहा है। तो आपका इस पर क्या कहना है कि क्या कर्ज माफी होने से बैंक वाकई इससे अफेक्टेड नहीं होंगे? देखिए, जहां तक कर्ज माफी का सवाल है, 2008-09 में भी कर्ज माफी की गई थी, लगभग 71,000 करोड़ किसानों में बांटा गया था, कर्ज माफ किए गए थे। लेकिन कर्ज माफ़ी करें, जैसे पैनलिस्ट ने कहा, कई लोगों ने, कि कर्ज माफ़ी अकेला सोल्यूशन नहीं है किसानों की समस्या को ठीक करने का, और रिजर्व बैंक के भी गवर्नर ने कहा कि इस कर्ज माफ़ी से समस्या का समाधान नहीं होता है, बल्कि इससे क्रेडिट क्लाइमेट जो है, क्रेडिट डिसिप्लिन जो है, वो ख़राब होती है। और मास स्केल में कर्ज की माफ़ी करना तो कहीं भी न्यायोचित नहीं लगता है, क्योंकि उसमें कई किसान ऐसे भी हैं जो सक्षम है ये कर्ज को देने के लिए, कर्ज को चुकाने के लिए, और उनके भी माफ़ी हो जाते हैं। तो वैसे में तो जो गरीब किसान है वो उसको पूरी मदद नहीं मिल पाती है। और मैं ये बोलना चाहूँगा कि बैंकों में ऑलरेडी स्कीम्स हैं कि जब भी ड्रॉट होता है या फ्लड आता है, उस स्कीम में बैंक जो है सो
उस पीरियड में ये स्कीम निकालती है और कर्जों को बिल्कुल सहूलियत से रीपेमेंट की बात करती है या कि जरूरत पड़ती है तो उसे माफ करती है। तो ऑलरेडी स्कीम रिजर्व बैंक के द्वारा दी गई है बैंकों में और बैंक उसका पूरा इस्तेमाल करती है, लेकिन मास स्केल में कर्ज की माफ़ी करना ये तो मुझे न्याय उचित नहीं लगता है। एक ट्रेंड आ गया है 2008 लोगों के बाद कि जब भी कुछ मास स्केल में स्कीम लानी है तो वही किसानों का कर्ज माफ़ किया जाए। क्या किसानों का कर्ज माफ़ करने से यह 2008 में जो माफ़ की गई थी क्या किसानों की समस्या दूर हो गई? बिल्कुल दूर नहीं हुई। आज ज़रूरत है टेक्नोलॉजी लाने की, आज ज़रूरत है जैसे इन्होंने कहा कि सपोर्ट प्राइस की ज़रूरत है, सपोर्ट प्राइस को इम्प्लीमेंट करने की बहुत ज़रूरत है। सपोर्ट प्राइस अगर हम दे देंगे और वो मार्केट में उसे कम पर अगर बेचने को किसान मजबूर है तो उसे कोई फ़ायदा नहीं है। जैसे गन्ने के केस में होता है कि सपोर्ट प्राइस सरकार निश्चित करती है और गन्ने की जो इंडस्ट्री है, शुगर इंडस्ट्री है, उन्हें उसी पर रेट पर लेना पड़ता है। तो उस तरह की चीज़ें अगर लाई जाए तो ज़्यादा मेरे ख्याल से समस्या सुधार होगी। कुछ बहुत महत्वपूर्ण आपने पॉइंट्स गिनाए यहाँ पर। एम के वेणु जी, आपसे भी जानना चाहेंगे, एसी सिन्हा जी कह रहे हैं कि कर्ज माफी एक हेल्दी ट्रेंड नहीं है, तो आपके हिसाब से असली ट्रेंड क्या होना चाहिए किसानों के मामले में? देखिए, जब तक आप पूरे जो व्यवस्था जो है किसान के उत्पादन और उसके बाद किसान के उत्पादन को खरीदने की व्यवस्था और उसको जो जो मार्केट जो इकोनॉमिक्स है उसकी जो उतार चढ़ाव से किसान को बचाने की व्यवस्था, इसका पूरा ढांचा जब तक आप नहीं बदलेंगे तो आपको ये हर 10 साल में ये कर्ज माफी का ये आएगा। और आप देखिए, हर 10 साल में होता है ये। अभी कोई बता रहे कि 2000 यूपीए ने 2008 में किया, अब एग्जैक्टली 10 साल होने को आ रहे हैं। अभी अगले साल तक आप देखिएगा, अभी सारे स्टेट कर्ज माफी स्टेट्स अनाउंस कर रही है, पंजाब भी करेगी और भी लोग, अभी शायद मध्य प्रदेश को भी करना पड़ेगा और आपको फिर 1.25-1.5 लाख करोड़ का कर्ज माफी करना पड़ेगा। और ये आप जब माफ करते हैं कर्ज, उसके बाद फिर भूल जाते हैं कि भाई ये ढांचा हमें जो एक नए सिरे से अगर पूरी चीजों को देखना है, स्वामीनाथन जो रिपोर्ट है उसको इम्प्लीमेंट करें, उसको पार्लियामेंट में दोबारा डिबेट करके उसको पूरा जो किसानों की जो उत्पादन और उसकी जो कॉस्ट कम करने की और उनकी जो एमएसपी ज्यादा से ज्यादा सरकार उनको एमएसपी देने की और उनके उत्पादन को खरीदने की अगर व्यवस्था जब तक नहीं करेंगे। आप याद होगा अरुण जेटली जी ने पहले बजट में एक यू नो प्राइस फ्लक्चुएशन फंड एग्रीकल्चर का किया था, उसमें केवल शुरू में मेरे ख्याल 500 करोड़ वो आइडिया अच्छा था, मगर वो जो आइडिया जो है कि किसान को दाम फ्लक्चुएट करने से बचाने का, उसका पूरा इम्प्लीमेंटेशन अभी हुआ नहीं है। और ये करना बहुत जरूरी है, नहीं तो आपको हर 10 साल में बिल्कुल। लेकिन एमके वेणु जी आप बताइए, अलग आप जी, कर सकते क्यों? एमके वेणु जी ये समझना चाहेंगे आपसे, पहले ही जो अलग अलग सेक्टर्स जी अलग अलग सेक्टर से पहले ही बहुत ज्यादा स्ट्रेस्ड है, स्टील सेक्टर की बात कर ले या अगर हम एग्रीकल्चर को आप कह रहे हैं, टेलीकॉम की बात कर ले, अगर कर्ज को ऐसे रिस्ट्रक्चर कर दिया जाए तो पूरा सिस्टम ही बैठ जाएगा, नई नौकरियां कहां से आएंगी, तो लगातार स्ट्रेस एसेट्स बढ़ते जाएंगे, कैसे काम करेगा ये? तो मैं आपसे एक गुजारिश करता हूं, आप 45 करोड़ किसान परिवार के लोग हैं और उनका टोटल कर्जा 7.5 लाख करोड़ है, और आप उद्योगों में देखिए 15 उद्योग परिवार है, उनका टोटल कर्जा 10 लाख करोड़ से ज्यादा है। तो आप लोग ये भी देख रहे हैं ना, पॉलिटिक्स में ये भी देख रहे हैं कि आप बड़े बड़े 10 उद्योग जो घराने हैं उनका कर्जा जो है पूरे पूरे किसान जो कम्युनिटी है देश की उनसे कहीं ज्यादा है। तो आपको थोड़ा ये प्रोपोर्शनलिटी जस्टिस बैलेंस करना पड़ेगा। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप एक वर्ग को कर्ज माफ करिए दूसरे को मत करिए, मगर ये बड़ा जरूरी है ये देखना। जी नरेंद्र तनेजा जी, यहां पर ये बात भी जाननी जरूरी हो जाती है कि किसानों का कर्ज माफ करने की घोषणा कर दी गई, ऐलान कर दिया गया और कई किसान काफी खुश है, लेकिन कई किसान ऐसे भी हैं जिन्होंने साहूकारों से कर्ज लिया हुआ है। अब तो वो ये समझ रहे होंगे हमने बैंक से कर्ज क्यों नहीं लिया, बैंक से कर्ज लेते तो हमारा कर्ज माफ हो जाता। आपको लग नहीं रहा कि ऐसे किसानों के बीच में गैप बढ़ रही है और ज्यादा परेशानी उनमें बढ़ रही है? देखिए, जो उत्तर प्रदेश के अंदर भी सरकार ने वहां स्पष्ट करा था
कि जो कर्ज माफ करा जाएगा वो कर्ज माफ करे जा रहे हैं और उसका बड़ी जल्दी जो है सबको सर्टिफिकेट उसके इशू होना शुरू हो जाएंगे। वो इस बार उन लोगों की जिन्होंने कृषि के लिए कर्जा लिया था, अपने मेन काम के लिए कर्जा लिया था, अगर कोई और सामाजिक और कुछ रहेंगे वो अलग बात होती है, उसके लिए इन्होंने कर्जा लिया। देखिए एम के वेणू जी ने यह कहा कि तमाम कॉर्पोरेट हाउसेस को दिया गया, बिल्कुल सही बात है, लेकिन एक चीज वो ऐड करना भूल गए कि वो यूपीए 2 के टाइम में, यूपीए 1 के टाइम में ये सब कर्जे दिए गए थे, और एमके वेणु के मैं तमाम लेख पढ़ता हूं लगातार, तब ये चर्चा उसकी नहीं करते थे, बिल्कुल नहीं करते थे, अब करते हैं, उस समय नहीं करते थे। और दूसरा मेरा ये है कि देखिए हमको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि अगर इस समय किसान बहुत जो परेशान है, आत्महत्या कर रहा है, परेशान है, तो अभी उसको राहत देना ये जो राज्य सरकारें हैं उनको उसका प्रयास करना पड़ेगा, क्योंकि अगर उनकी स्थिति जो है अगर वो थोड़ी स्थिति में बेहतर आते हैं तो अर्थव्यवस्था को उससे फायदा होगा। दूसरा पॉइंट मैं कहना चाहूँ, उत्तर प्रदेश के अंदर ही हमने देखा कि 3500 करोड़ रुपया समाजवादी कार्यकर्ताओं को खाली दिया गया था, अगर इसका मतलब है कि वेस्टेज तो था उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था में जबरदस्त, लगभग 35,000 करोड़ का वेस्टेज था अखिलेश यादव की सरकार के टाइम में, हमने उसमें आकर के सब में जो नकेल कसी है उस सबको हमने बिल्कुल रोक दिया है। तो मेरा यह मानना है कि जो सरकारें कदम उठा रही हैं सोच समझ के उठा रही हैं, इसीलिए केंद्रीय वित्त मंत्री ने कहा है कि राज्य सरकारें हैं उनकी जिम्मेदारी है, वो अपना कर रही हैं। बहुत सोच समझ के उत्तर प्रदेश ने फैसला लिया, बहुत सोच समझ के महाराष्ट्र सरकार ने फैसला लिया है, कांग्रेस की जो सरकार है पंजाब में उन्होंने घोषणा की, अभी तक फैसला उस पर नहीं लिया है। पिछले 8 दिनों के अंदर 9 किसान आत्महत्या कर चुके हैं पंजाब के अंदर खाली, जो कांग्रेस रूल स्टेट है। मेरा यह कहना है कि ये सारी चीजों का हमको ये राष्ट्रीय मुद्दे हैं और इन पर राष्ट्रीय की तरह करना पड़ेगा, एक दूसरे पे अगर उंगली उठाएंगे और ठीक है नरेंद्र तनेजा जी, एक और फ्यूचरिस्टिक अप्रोच यहां पर आपने पेश किया है कि कैसे हम किसानों की सेहत सुधार सकते हैं। आप नहीं, एक सेकंड स्वाति जी, एक सेकंड आप बार बार फ्यूचरिस्टिक आप गलत शब्द प्रयोग कर रही है, ये हो रहा है, हम काम आज कर रहे हैं, ये प्रेजेंट की बात हो रही है, ये कोई चांद या सूरज की बात नहीं हो रही है, आपने जो शब्दों का प्रयोग किया उसी के आधार पर हमने कहा कि ऐसा करना आपका गलत है। जी ठीक है नरेंद्र तनेजा जी, जी बिल्कुल नहीं, ये फ्यूचरिस्टिक नहीं है, फ्यूचरिस्टिक का मतलब अलग होता है, उसका मतलब अलग होता है। ठीक है नरेंद्र तनेजा जी, देवेंद्र शर्मा जी आप बताइए कि जब नई फसल आनी शुरू होती है तब पॉलिसी बननी चाहिए, जब पानी सर से ऊपर चला जाता है तब ऐसे कदम क्यों? जब मध्य प्रदेश में इतना ज्यादा यहां पर बवाल खड़ा हुआ, किसानों की तरफ से आंदोलन उग्र हो गया, हिंसक हो गया, तब जाकर यह कदम उठाया गया। यहां तक कि जून में खासतौर पर खरीफ की बुआई होती है, अब तक एमएसपी डिक्लेयर नहीं हुआ है, कुछ ऐसे जो कदम होते हैं वो ये बताते हैं कि समय पर जब एक्शन नहीं लिया जाता है उससे किसानों की समस्याएं ही बढ़ती हैं। देखिए स्वाति जी, हमें समझने की जरूरत यह है कि भाई ये कोई आज एक एक्शन हुआ, कल एक एक्शन हुआ, ये इसका परिणाम नहीं है जो हम आज क्राइसिस देख रहे हैं। हम जो क्राइसिस देख रहे हैं ये कई सालों से जो नुकसान किया गया है एग्रीकल्चर का, डेलिबरेटली एग्रीकल्चर को किल किया गया है और इम्पॉवरिश रखा गया किसानों को, वो एक कारण है कि आज किसान अपना रोष दिखा रहे हैं, अपने गुस्से में हैं। दो चीज़ें मैं आपके सामने कहना चाहता हूँ, जरा थोड़ा समय लूँगा समझाने के लिए। आप पहले हम बात कर रहे हैं, वित्त मंत्री जी ने आज कहा है कि भाई स्टेट गवर्नमेंट्स जो हैं वो किसानों का कर्जे का है, अपने रिसोर्सेज देखें कहां से आएगा। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं वित्त मंत्री जी से कि ये बात जो है किसानों के लिए कर्जे पे, तो आप कहते हैं स्टेट गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबल होगी, जब कॉरपोरेट का कर्जा माफ करना होता आपने कभी किसी स्टेट गवर्नमेंट को कहा कि आप उसका रिसोर्सेज लेके आइए? टेलीकॉम सेक्टर के अगर 4 लाख करोड़ रुपए आज अनसस्टेनेबल हैं और उसको बेल आउट करने की बात कर रही है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की चीफ, मैं जानना चाहता हूं कौन सी स्टेट गवर्नमेंट उसका बर्डन उसका लेगी। ये बड़ा अच्छा तरीका है सरकार ने चुना है कि जब एग्रीकल्चर की बात आती है तो स्टेट गवर्नमेंट्स के ऊपर डाल दीजिए ताकि किसानों को कुछ ना मिले, और फिर ये बात होती है कि हाँ फिस्कल डेफिसिट बढ़ जाएगा। आप बताइए, जो वेणु जी ने पहले कहा कि 10 लाख करोड़ रुपए अगर आज फंसा पड़ा है या बैड लोन है या होने जा रहा है तो वो फिस्कल डेफिसिट की बात क्यों होती? कभी मैंने सुना ही नहीं कि उससे फिस्कल स्लिपेज हो जाएगा या उससे क्रेडिट इंडिसिप्लिन हो जाएगा। ये हमारे देश के इकोनॉमिस्ट तो कमाल के इकोनॉमिस्ट हैं जी, सिवाय कॉर्पोरेट के और उनको कुछ नजर ही नहीं आता है। दूसरी बात रही आपकी कि क्या होना चाहिए, देखिए आज होने की जरूरत यह है कि एमएसपी अगर हम बढ़ाते हैं, जो स्वामीनाथन कमीशन की, मैं भी उसमें स्पेशल इनवाइटी था स्वामीनाथन के कमीशन में, मैं आपसे शेयर करना चाहता हूं कि एमएसपी देश के मात्र 6% किसानों को मिलता है,
अगर हम उसमें एमएसपी प्लस 50% देते हैं जो कि देना चाहिए, तब भी वो सिर्फ 6% किसानों को जाएगा। वो जो 94% किसान जो मार्केट की वोलेटिलिटी के शिकार हैं, उनका क्या होगा? जो वो टमाटर फेंकते हैं सड़कों पे आके, जो आलू फेंकते हैं, जो प्याज फेंकते हैं, उनका क्या होगा? ना तो किसान नेता कहीं उसकी बात कर रहे हैं, ना जो स्टेट गवर्नमेंट्स जो एग्रीमेंट कर रही है उसमें कहीं बात आ रही है। होना ये चाहिए, मेरा मानना है स्वाति जी, कि एक आज समय आ गया है कि हम फार्मर्स इनकम कमीशन का गठन करें। कम से कम यह कमीशन डिसाइड करे कि हर परिवार को 18,000 रुपए कैसे हर माह मिले, क्योंकि आज देश की आधी जनता जो है, आधे किसान जो हैं, उनके इनकम सिर्फ 1700 रुपए महीने की बनती है, ये इकोनॉमिक सर्वे 2016 कहता है। तो उसमें किसान करेगा क्या? मरेगा ही मरेगा, नहीं मरेगा तो कर्जे पे कर्जा लेगा, कर्जे पे कर्जा लेगा, उसमें दबा पड़ा है। तो हम लोग बात को शिफ्ट ना करें, पॉलिटिक्स ना लाएं, और देखें कि आज हमें किसानों को किस तरीके से वापस एक तरह का देश की जो इकोनॉमी है, मेरा मानना है कि ओनली एग्रीकल्चर कैन बेल आउट द इकोनॉमी। आज दुनिया में जॉब्स नहीं है, हिंदुस्तान में भी जॉब्स नहीं है। अगर हमें जॉब्स लाने हैं तो उनके हाथ में दीजिए पैसा जो ऑलरेडी एग्रीकल्चर में है, और वो 60 करोड़ लोग हैं, मेक इट इकोनॉमिकली वायबल। आप देखिए देश की कितनी प्रगति होती है, जीडीपी कहां दौड़ती है। तनेजा जी, क्या कहेंगे कॉर्पोरेट्स के लिए अगर अलग रूल और किसानों के लिए अलग रूल? देखिए देवेंद्र शर्मा की जो भावना जी है, उनकी जो भावना मैं समझ रहा हूं और मैं काफी हद तक उनके साथ सहमत हूं। जिस हिसाब से जो है पॉलिटिशियंस के कहने पे यूपीए वन यूपीए टू में तमाम लोन कॉर्पोरेट को भी दिए गए, तमाम और लोगों को भी दिए गए, सबको पता है, विजय माल्या आपके सामने एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल उसका हैगा। और हमारी सरकार जब से आए, बताइए हमने कौन से लोन गलत दिए हैं? आप मुझे गिना दीजिए हमने कौन से लोन गलत दिए हैं। सरकार में आप हैं, पूरी तरह सहमत, सिर्फ एक बात उसमें जोड़ें, आप सुन लीजिए जैन साहब, सुन लीजिए, हमें मौका नहीं मिल रहा, सुन लीजिए जैन साहब, हमें भी मौका चाहिए, आप कन्हैया जी बात करते हैं, सुन लीजिए जैन साहब, लेट मी कंप्लीट जैन साहब, एक मिनट में कंप्लीट, उसके बाद आप सुनिए, आप बोलिएगा जैन साहब। देवेंद्र शर्मा जी ने कहा, मैं उनसे सहमत हूं कि जो किसान है, हमको कुछ ऐसा करना पड़ेगा कि जो उसकी अर्थव्यवस्था, उसके परिवार की अर्थव्यवस्था, वो सस्टेनेबल हो। और मेरा सिर्फ उसमें थोड़ा सा एक पॉइंट जोड़ने का यह है कि जो गांव है उसमें किसान खाली अगर कृषि पर डिपेंडेंट रहेगा तो वो हम चीज हासिल नहीं कर पाएंगे जो देवेंद्र शर्मा जी कह रहे हैं। मेरा यह जोड़ना है, हमको उद्योग धंधे, एसएमईज, वहां पर सोलर बेस्ड पावर इंडस्ट्री, ये भी लेके जाना पड़ेगा। कुल मिलाकर के जो गांव की जो सोच है हमारी, उसका आधुनिकीकरण करना पड़ेगा, ये बहुत आवश्यक है। प्रदीप जैन जी, स्वाति जी, सबसे पहले मैं ये कहना चाहता हूं कि जो हमारी इंपोर्ट ड्यूटी, जिस समय हमारे यहाँ पल्सिज की क्राइसिस हुई थी तो 25% जो इंपोर्ट ड्यूटी थी वो जीरो कर दी थी। आज हमारा एक्सपोर्ट नहीं हो पा रहा, हमारे पास सरप्लस में पल्सिज हैं, सरप्लस में सारा खाद्यान्न है। आज चाहिए कि उस पर एक नीति बने, हम सबसे पहले इंपोर्ट को बंद करें, एक्सपोर्ट को प्रमोट करें और उसमें फैसिलिटीज दें। दूसरी बात, देश के प्रधानमंत्री को किसान संगठनों से मिलना चाहिए, और ये बात इतने अच्छे पैनलिस्ट आपके पास में हैं, देवेंद्र शर्मा हो, बनर्जी हो, और भी हम टीवी चैनल पे देखते हैं, इनके पास एक पूरा विजन है, लेकिन जब देश का मुखिया मिलेगा नहीं तो ये सजेशन कैसे पहुंचेंगे। तीसरी बात, जो एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर है, चाहे वेयर हाउसिंग सेक्टर हो, चाहे मंडी हो, चाहे जो पीडीएस सिस्टम हो, आज क्या होता है कि जो मार्केट में सपोर्ट प्राइस आती है, उस सपोर्ट प्राइस किसान को नहीं मिल पाती। किसी के पास अगर जमीन है, उससे जो बीज का बिचौली है वो कहता है कि हम आपको नंबर एक की कैपिटल कर देंगे, आपके 20 एकड़ जमीन है, हम आपके नाम पर इतने का चेक दे देंगे, वो बाजार में किसान से सस्ता माल खरीद लेता है और उस व्यक्ति को जो एग्रीकल्चर नहीं कर रहा है उसको चेक दे देता है, उसका नंबर एक में कैपिटल बन जाती, और बाजार से जो कोऑपरेटिव सेक्टर की सोसाइटी है वो उसमें पैसा कमा लेती, और यही कारण है कि आज समर्थन मूल्य किसान को नहीं मिल पा रहा। तीसरी बात मैं कहना चाहता हूं कि बहुत सारे रिफॉर्म हमने नहीं कर पाए, इसीलिए हम आज सत्ता में नहीं है, हम हार गए चुनाव। ये तो पूरे बहुमत में है, आज इन्हें किसान आयोग बनाना चाहिए, इन्हें पूरी बात सुनना चाहिए, और किसान आयोग की जो रिकमेंडेशन हो उस रिकमेंडेशन पर आपने जो पॉइंट्स कहे वो हम नरेंद्र तनेजा जी से जानेंगे डेफिनेटली। लेकिन अस्सी सेना जी, जो बात देवेंद्र शर्मा जी भी कह रहे थे
कि ये अलग अलग रूल्स क्यों, और इन अलग अलग रूल्स की वजह से ही एक गलत छवि पेश होती है। देखिए, मैं ये नहीं मानूंगा कोई अलग रूल है, कॉरपोरेट्स के लिए अलग रूल है, फार्मर्स के लिए अलग रूल है। मैं इन जनरल बात करना चाह रहा हूँ कि फार्मर्स बाय एंड लार्ज ऑनेस्ट होते हैं, और वो चाहते हैं कि भाई वो फार्मिंग करें, उनके परिवार को भी उनको परिवार को भी देखें और पूरे समाज को भी देखें। लेकिन कुछ ऐसी समस्या आ जाती हैं, कभी कभी कोई बरगला देते हैं ताकि बहुत सारे लोग रोड पर चले आते हैं। लेकिन हमने जो हमारा जो अपना एज ए बैंकर एक्सपीरियंस रहा है कि फार्मर्स बाय एंड लार्ज ऑनेस्ट होते हैं, और वो जो ऑनेस्टी के साथ में ही कर्ज लेते हैं और कर्ज चुकाना भी चाहते हैं। लेकिन जो समस्या आती है तो बैंकों के पास स्कीम है, उसके तहत वो उनकी समस्याओं का समाधान करते हैं। जहाँ तक कॉरपोरेट्स की बात है, कॉरपोरेट्स में जो आज जो समस्या आ रही है, चाहे टेलीकॉम की हो या पावर सेक्टर की हो, ये नहीं कि साहब वो लोन खराब दिए गए थे, लेकिन पूरे इन्वायरमेंट जो है, इकोनॉमिक इन्वायरमेंट या वर्ल्ड ग्लोबली जो हम लोग अभी चल रहे हैं कि इकोनॉमी हमारी ग्लोबली ओपन हो गई है, तो उसके कारण बहुत सारी चीज़ें खराब हो रही हैं। और एक जो टेलीकॉम सेक्टर, मान लीजिए बॉम्बे में बैठा हुआ कॉरपोरेट है, ये नहीं कि वो बॉम्बे के लोगों की ज़रूरत को पूरा करता है, पूरे हिंदुस्तान के लोगों की ज़रूरत को पूरा करता है। इसलिए सेंट्रल गवर्नमेंट उस मुद्दे को डायरेक्टली हैंडल करके उसकी समस्या को दूर करना चाहिए, या रिस्ट्रक्चर करके लोन हो या रिहैबिलिटेशन के थ्रू हो, ताकि लाखों लोग उसमें काम करते हैं। अगर कोई एक बड़ा कॉरपोरेट बंद हो जाता है तो कम से कम काफ़ी लोग अनएम्प्लॉयड हो जाएंगे। ये भी एक समस्या सरकार के सामने रहती है, और सरकार चाहती है कि कोई भी यूनिट सिक नहीं हो। अगर वो सिक होने की कगार पर हो तो उसे कैसे सपोर्ट दिया जाए ताकि वो रिवाइव हो सके। नरेंद्र तनेजा जी, जो कर्ज माफी के बाद जो भार पड़ेगा, जैसे छोटे और सीमांत किसानों की कर्ज माफी पर लगभग 30,000 करोड़ रुपए का भार पड़ेगा, और सारे कर्ज अगर माफ कर दिए जाए, महाराष्ट्र की हम बात कर रहे हैं, तो 1,14,000 करोड़ रुपए का भार पड़ेगा। अरुण जेटली जी कह रहे हैं कि जो अपने अपने राज्य है वो अपना अपना जो ये भार है, कर्ज है, वो संभाले, हमसे मदद की कोई उम्मीद ना रखे। तो आखिरकार कैसे इसको मैनेज किया जाएगा राज्य सरकार की तरफ से? आखिरकार जो पैसा जाएगा वो आम आदमी की जेब से ही तो जाएगा? नहीं, देखिए, अब आपका प्रश्न बड़ा अच्छा है। उत्तर प्रदेश की सरकार ने सोच समझ के फैसला लिया, और उन्होंने कहा है कि हमारी पूरी जीडीपी पे, हमारे अर्थव्यवस्था के विस्तार पे कतई कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और उन्होंने ये भी कहा हम केंद्र के पास नहीं जा रहे पैसा लेने के लिए। उन्होंने पूरा गुणा भाग करके किया। और आपने ये कहा कि आम आदमी पे भार नहीं पड़ेगा, क्या किसान आम आदमी नहीं है? वो गरीब कुचला हुआ मध्य वर्ग का जो छोटा किसान है, वो क्या वो आम आदमी नहीं है? वो भी तो आम आदमी है, क्या उसका हक नहीं है? अगर कांग्रेस ने 70 साल उनको निगलेक्ट किया, हम भी निगलेक्ट करें? आप ये चाहती हैं? हम नहीं करेंगे। टेलीविजन पे आके आज जैन साहब ये कह रहे हैं ये होना चाहिए, सत्तर साल क्या करा पंजाब में? आप क्या कर रहे हैं? आप बताइए पंजाब में क्या कर रहे हैं? कर्नाटक में क्या कर रहे हैं? बताइए अपनी बात। टेलीविजन पे आप मैं क्या कर रहे हैं? नाम मत लीजिए आपके जैन साहब, आपके जितने विचार तीन महीने में कर्जा तो माफ कर दिया, हमने भी तो उत्तर प्रदेश में माफ कर दिया। उत्तर प्रदेश में और पंजाब की सरकार साथ साथ बनी थी, हमने तो माफ कर दिया, आप क्यों नहीं कर रहे? उत्तर प्रदेश और पंजाब की सरकार साथ साथ बनी थी, हमने माफ कर दिया, क्यों नहीं कर रहे? कुंडली बांध के बैठे हुए हैं आप, आपके जितने सुझाव हैं अपनी सरकार को पंजाब में आप इम्प्लीमेंट करिए, हमें भी प्रेरणा दीजिए, पूरे देश को प्रेरणा दीजिए। टेलीविजन पे आके गाल बजाने से कुछ नहीं होता। आप लोगों ने किसान एक कॉन्स्पिरेसी के तहत आपने किसान को कमजोर किया, साजिश की, किसान को कमजोर करो, ये आपकी साजिश थी। गाँव के खिलाफ, गाँव की अर्थव्यवस्था को खराब करो, ये आपकी साजिश थी। ठीक है, ये गुजारिश है कि ये जो एक मुद्दा है, ये सामाजिक मुद्दा है, इसे राजनीतिक बहस ना बनाया जाए, क्योंकि हम यहाँ पर बात करें आखिरकार किसानों के हित में क्या है, यही जानने की हम कोशिश कर रहे हैं। इनके पास किसानों के लिए कुछ नहीं है स्वाति जी, इसीलिए राजनीतिक मुद्दा बनाते हैं। जब 70 साल मर रहा जवान स्वाति जी, खेत में मर रहा किसान, बताना तो पड़ेगा। ठीक है, अटल बिहारी वाजपेयी भाजपा के नहीं थे क्या? साजिश के तहत इन्होंने कमजोर किया। प्रदीप जी, ऐसे बात आगे नहीं बढ़ेगी। आप अपनी जनरल नॉलेज ठीक कर लीजिए तनेजा जी। पंजाब में क्यों नहीं माफ किया पंजाब में कर्जा अभी तक? आपने वादा किया पंजाब में क्यों नहीं माफ करते? एम के वेणु जी,
हम जितने भी अब तक फैसले किसानों के हित में या किसानों के लिए देखते आए हैं अब तक तमाम सरकारों की तरफ से, ये ज्यादातर एक पॉपुलिस्ट मेजर देखा जाता है कि हाँ ठीक है किसानों के लिए कुछ कर दिया, उसका मकसद शायद कुछ और भी हो सकता है। ऊपर ही ऊपर ही अगर किसानों की मदद की जाए, उनकी जो रूट कॉज है वो प्रॉब्लम कोई समझने की कोशिश नहीं करता है। चलिए मानिए कर्ज माफी हो गई, आगे दो और राज्य कह रहे हैं कि हमें हम कर्ज माफी कर लिए, ये भी अगर मान्य हो जाए, उससे क्या हासिल हो जाएगा? एमके बेनू, देखिए जैसा मैंने आपसे पहले कहा कि जब तक स्ट्रक्चरल चेंज और पूरा ढांचा जो एग्रीकल्चर का किसानों का, जैसे अभी देवेंद्र शर्मा जी बता रहे थे, अगर एक परिवार को आधे करीब 17 से 20 स्टेट्स में एक किसान परिवार की आय जो महीने की जो इनकम है अगर वो 1700 रुपए हो, तो आप इसको अगर इसको डबल कर लें ट्रिपल कर लें तब भी इसको आप पॉपुलिस्ट नहीं कह सकते। अगर मैं तो कहता हूं कि ऐसे सिचुएशन में तो पूरा एक डायरेक्ट इनकम स्कीम होना चाहिए कि किसानों को किसी तरह सरकार एक डायरेक्ट इनकम और डायरेक्ट कुछ इनपुट के जरिए उनके उनको पैसे दे। और ये पूरे विकसित देशों में, जैसे मैं आपको पहले बता रहा था, यही होता है वहां पे, किसानों को डायरेक्ट सब्सिडी स्कीम होता है ताकि उनके मार्जिन्स को इंटैक्ट रखा जाए और ताकि वो बेसिक जो फूड प्रोडक्शन और बेसिक जो एग्रीकल्चर के जो सोसाइटी के लिए जितना जरूरी है फूड सिक्योरिटी, उसको पूरा वो कर पाए। तो हमारे यहां तो अभी ये सारे, अब अरुण जेटली जी कह रहे हैं कि भाई ये स्टेट्स है उनका जिम्मा है। मैं तो कह रहा हूं कि अगर आप जो फॉरेन इन्वेस्टर जो है वो तो सेंटर और स्टेट्स के फिस्कल डेफिसिट को साथ मिला के देखता है, उसे ग्रॉस फिस्कल डेफिसिट कहा जाता है। तो ये कहना वित्त मंत्री के लिए कि भाई ये स्टेट्स अपना पूर्ति करेंगे और हमारा सेंटर का इसमें कोई दायित्व नहीं है, ये तो एक तरह से मेरे हिसाब से थोड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी से एमके बेनू जी, जिस ढांचे की आप बात कर रहे हैं वो किस तरीके का ढांचा होना चाहिए, ये आपसे समझना चाहेंगे कैसा ढांचा हो ये किसानों के लिए। मैं जैसे आपको बताया, जैसे अभी देवेंद्र शर्मा ने बताया कि ये जो शांता कुमार कमेटी है, इनके बीजेपी के बड़े वरिष्ठ नेता हैं, उनके कमेटी ने ये कहा था कि असली में केवल 6% किसानों को स्वामीनाथन कमेटी सपोर्ट प्राइस मिलता है, सरकार का सपोर्ट। तो मेरा मानना है कि ये उन्होंने बताया, ये शांता कुमार कमेटी में का फिगर था कि केवल 6% किसानों को असली में गवर्नमेंट मिनिमम सपोर्ट प्राइस मिलता है। और अगर 6 को बढ़ा के अगर ये 60-70% करे तो आपका प्रॉब्लम बिल्कुल सॉल्व हो जाएगी और किसानों को बिल्कुल जो मार्केट इकोनॉमी के उतार चढ़ाव जो है उसके बिल्कुल आप दलदल में ना फेंके तो ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी आपकी, ये करें फिर ये। ऐसे सेना जी, आपको लगता है इससे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी जैसा कि एमके बेनू बता रहे हैं? देखिए हमारी जो सोच है उसमें केवल कर्ज माफी से किसानों की समस्या सुधरने वाली नहीं है। गवर्नमेंट ने जो एक स्कीम निकाली स्किल डेवलपमेंट की, जो स्किल डेवलप करेंगे और आज चल रहा है, बहुत सारे कार्यक्रम चल रहे हैं रूरल एरिया में सेमी अर्बन में, उसका जो परिणाम निकलेगा ओवरऑल ग्रोथ होगा कंट्री का। वो जो किसान है उसके बच्चे भी स्किल डेवलपमेंट करेंगे, वो जो ये बिजनेस लाएंगे, वो जो जॉब क्रिएट करेंगे, वहाँ से स्किल में ये अपॉर्चुनिटी आने वाली है। मेरा अपनी सोच है कि स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम जो साथ साथ सरकार चला रही है केंद्रीय सरकार, उससे काफ़ी सुधार किसानों की दशा में आएगा और ये चीज़ जो है ओवरऑल किसानों के डेवलपमेंट के लिए ग्रोथ के लिए कामयाब होगी। केवल कर्ज माफी ही एक अकेला सॉल्यूशन नहीं है, पूरे सिस्टम को किसानों के सिस्टम को सुधारना होगा। उसके लिए ऑलरेडी मैंने देखा है सरकार स्किल डेवलपमेंट के रूप में काम बहुत तेजी से कर रही है।